व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का विकास। साथियों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम आपको इस अध्याय का उद्देश्य बताएंगे और इस उद्देश्य के बाद, प्रस्तावना के बाद, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की रुकावटें, व्यक्तित्व की प्रवृत्तियाँ, व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो इस तरह हमने इस व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के सिद्धांत को 5 भागों में बांटा हुआ है और इस इकाई का उद्देश्य है या इस अध्ययन का उद्देश्य है कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व को विकास को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व संबंधी विभिन्न गुणों और व्यक्तित्व संबंधों के बारे में आप जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जिसमें सबसे पहले जैविक, मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक और समाज की संस्कृति जिसमें उस व्यक्ति का पालन पोषण हुआ है, वो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो किसी व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व के आधार का निर्माण करती हैं। अगर हम बात करें और इसी अगर हम बात करें कि अनुवांशिकता का व्यक्तित्व में क्या भूमिका है, तो हम कहेंगे कि अनुवांशिकता व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलुओं का निर्धारण करती है, लेकिन सारे पहलुओं का निर्धारण नहीं करती और इसीलिए व्यक्तित्व में प्रबंधन की संभावनाएं हैं। यदि व्यक्तित्व के सारे पहलुओं का प्रबंधन अनुवांशिकता करती तो प्रबंधन की कोई संभावनाएं नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले हम व्यक्तित्व शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्तित्व उन तौर तरीकों का कुल योग है जिसके अंतर्गत व्यक्ति कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया करता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अनुवांशिकता, पर्यावरण, परिपक्वता और शिक्षण जैसे विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। यदि हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो कम से कम 6 कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पहला अनुवांशिकता है, दूसरा परिवेश है, तीसरा स्थिति है, चौथा नियंत्रण बिंदु है और नियंत्रण बिंदु के अंदर हम कहते हैं धूर्तता, आत्मसम्मान, आत्मनिरीक्षण, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति और टाइप ए या टाइप बी तरह के आपका व्यक्तित्व है। ये सारा आपका निर्धारित करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। अनुवांशिकता जिन जैविक, मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक विशेषताओं के साथ हम पैदा होते हैं वो अनुवांशिकता निर्माण करती है। माता पिता की जो भी विशेषताएं पूर्णता या अंशता व्यक्ति प्राप्त करता है, जैसे शारीरिक ढांचा, चेहरे का रंग, आँख का रंग, बाल का रंग, बाल का प्रकार, ये सारा व्यक्ति अनुवांशिक रूप से अपने माता पिता से प्राप्त करता है और इस ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अनुवांशिकता जैसा कारक व्यक्तित्व का पूरा निर्माण करता तो कहीं भी प्रबंधन की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन अनुवांशिकता के अलावा परिवेश समाज की उस संस्कृति की ओर इंगित करता है जिसमें व्यक्ति का पालन पोषण हुआ है, या उन मापदंडों को इंगित करता है जो अभिभावक, अध्यापक और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा उस व्यक्ति को मिला है। तीसरा स्थिति,
विभिन्न स्थितियां व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को सामने लाती हैं। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति किसी भी कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद पर काम करता है तो उस समय वह अपने व्यवहार को नियंत्रित रखता है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने मित्रों के साथ उठता बैठता है तो उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। इसका मतलब कि स्थिति के अनुसार हमारा व्यवहार बदलता जाता है और इसलिए स्थिति भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वह है नियंत्रण बिंदु। यह व्यक्ति के इस बोध की ओर इंगित करता है कि उसके भाग को क्या चीज नियंत्रित करती है, वह स्वयं या व्यक्ति सोचता है कि उसका भाग्य ही उसको नियंत्रित कर रहा है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यह मानते हैं कि अपने भाग्य के निर्माता वो स्वयं हैं अपने कर्मों के द्वारा, और ऐसे लोगों के व्यक्तित्व को हम कहते हैं कि इनका व्यक्तित्व आंतरिक बिंदु वाला होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ये मानते हैं उन्हें जो भी मिला है वो किस्मत, भाग्य और अवसर, और इसका मतलब कि बाहरी परिस्थितियां उनको नियंत्रित कर रही हैं, और ऐसे लोगों को हम बाह्य नियंत्रित व्यक्ति मानते हैं। आंतरिक और बाह्य प्रकार के व्यक्तियों में बहुत सारे व्यवहारिक अंतर पाए जाते हैं जो उनके व्यक्तित्व को अलग दिखाते हैं। जैसा आप इस टेबल में देख रहे हैं कि जो आंतरिक व्यक्ति है वो अपने काम से संतुष्ट रहते हैं, जबकि बाहरी व्यक्ति अपने काम से असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उन्हें जो मिल रहा है वो तो भाग्य के सहारे मिल रहा है। आंतरिक व्यक्ति अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, उनकी अनुपस्थिति में कमी रहती है, वो मानते हैं वो भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, जबकि बाहरी व्यक्ति काम के प्रति कम प्रतिबद्ध होते हैं, प्रायः अनुपस्थित रहते हैं, ऐसा मानते हैं कि उनको जो मिल रहा है उस परिणाम पे उनका कोई नियंत्रण नहीं है, ये सब तो भाग्य और भगवान के सहारे चल रहा है। जबकि आंतरिक व्यक्ति असफलता का कारण भी अपने आप को मानते हैं, जबकि बाहरी व्यक्ति असफलता का कारण भी भगवान और भाग्य पे छोड़ देते हैं। आंतरिक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए भी स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि बाहरी व्यक्ति स्वास्थ्य भी भगवान और भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि जो आंतरिक व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा उत्पादक होते हैं, और वो जटिल सूचनाओं को प्रसंस्करण यानी विश्लेषण और एनालिसिस करने में ज़्यादा कुशल होते हैं, जबकि वाह व्यक्ति आंतरिक के मुकाबले जो रूटीन कार्य होते हैं, जो संरचनात्मक कार्य होते हैं, उनको करने में ही ज़्यादा उपयुक्त पाए जाते हैं। दूसरा जो हमने बोला था कि कारक है जो व्यक्तित्व को निर्धारित करता है वो है धूर्तता। धूर्तता उस सीमा को इंगित करता है कि किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण कितना व्यवहारिक, जिसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं, व्यवहारिक है, वो भावनात्मक इमोशनल से कितनी दूरी बना के चलता है। तो आप पाएंगे कि जो व्यक्ति अधिक धूर्त होते हैं वो दूसरों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करने में कुशल होते हैं, और जबकि जो धूर्त जो कि व्यवहारिक होते हैं वो जो है जो जैसी स्थिति है सामने बैठ के नाप तौल के बात करते हैं। एक अन्य कारक है जो व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है, वो आत्मसम्मान। व्यक्ति जिस सीमा तक स्वयं को चाहता है उसे उतना ही आत्मसम्मान और उतना ही सुनियोजित होता है। जिन लोगों में आत्मसम्मान की भावना अधिक होती है और आश्वस्त होते हैं वो सफलता प्राप्त करने के बाद भी आवश्यक क्षमता का विस्तार करते हैं और उस पर विश्वास उत्पन्न करते हैं। उन्हें चुनौतियां लेना पसंद होता है, जबकि जो बाह्य कारकों से प्रभावित होते हैं उन्हें अलोकप्रिय कदम उठाने में दिक्कत होती है। आत्मसम्मान की कमी
वाले लोगों में विश्वास की कमी होती है और वे लोगों को अनुमोदन भी चाहते हैं। उच्च कोटि के आत्मनिरीक्षक होते हैं, स्थिति की मांग के अनुसार अपना व्यवहार बदलने में समर्थ होते हैं और अंतर्विरोधी भूमिकाएं निभा सकते हैं। जबकि अवर श्रेणी के आत्मनिरीक्षक अपनी वास्तविक भावनाओं, अनुभूतियों और प्रतिक्रियाओं को छिपा नहीं पाते। ये परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को जल्दी ढाल भी नहीं पाते। ये जैसा अनुभव करते हैं इनका व्यवहार भी वैसा होता है। जोखिम लेना वाला व्यक्ति बिना अधिक सूचना तलाशे बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले पाते। सो जो लोग अत्यधिक जोखिम लेने की जिनके व्यक्तित्व में आदत होती है, वो जब तक उन्हें पूरी सूचना ना मिल जाए कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और वो जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते भी नहीं हैं। इसके अलावा एक अन्य कारक है जो व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है, वो टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी, या टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व का प्रकार। टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व का प्रकार फिर अपने आप में एकदम अलग होता है। आपने महसूस किया होगा, देखा होगा समाज में, कुछ लोग ऐसे हैं जो भी कार्य करते हैं, खाना, चलना, बोलना, वो सब जल्दी जल्दी करते हैं। जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनसे परेशान रहते हैं, अरे ये क्या हो गया, एक ही समय में कई काम करने का प्रयास करते हैं। इन सारे गुणों से टाइप ए व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और टाइप बी व्यक्तित्व वाले लोग, उनको तत्कालिकता का कोई प्रभाव नहीं रहता है। जब तक स्थिति की मांग ना हो वो आराम से काम करते हैं, वो अपना धैर्य भी नहीं खोते हैं। और टाइप ए वालों को तो कभी खाली बैठने को नहीं सूझता, लेकिन टाइप बी वाले आराम से काम करते रहते हैं। टाइप ए वाले संख्या पे बहुत बल देते हैं, जबकि टाइप बी वाले में ऐसा नहीं होता है। तो आपने देखा कि व्यक्तित्व, अनुवांशिकता, स्थिति, परिस्थिति और इसके अलावा आपका व्यक्तित्व आंतरिक या बाह्य किस तरह का है, या टाइप ए या टाइप बी किस तरह का है, उससे आपका व्यवहार प्रभावित होता है। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व के गुणों की। 5 ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो व्यक्ति की व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और पहला है बहिर्मुखता, जो व्यक्ति दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाए। दूसरा है अंतर्मुखी, जो कि लोग दूसरों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल नहीं जाते हैं, वो ज़्यादातर चुप रहते हैं, आपने देखा होगा। और जो लोग बहिर्मुखी होते हैं वो कहीं भी किसी अन्य लोगों से बात करने में हिचकिचाते नहीं हैं और सहमति के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जबकि अंतर्मुखी व्यक्ति दूसरों के साथ बात करने में, बात को शुरू करने में, घुलने मिलने में असहज महसूस करता है। एक इसके अलावा कारक है जो व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है, वो है कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा उस सीमा को इंगित करता है जिस सीमा तक कोई व्यक्ति कर्तव्य निष्ठ व उपलब्धि अर्जित करने के लिए उन्मुख रहता है। जो लोग अधिक कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वे अपने लिए कम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा समय देते हैं। और जो लोग अधिक कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और जो लोग कम कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वे बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और अक्सर उन्हें उनमें से कुछ भी नहीं प्राप्त होता। एक तीसरा कारण है भावनात्मक स्थिरता। यह व्यक्ति के तनाव झेलने की क्षमता को दर्शाता है। और आपने महसूस किया होगा कि समाज में, संगठन में, ऑफिस में, कार्यस्थल पे अलग अलग भावनात्मक स्थिरता वाले लोग पाए जाते हैं। जिन व्यक्तियों में सकारात्मक भावनात्मक स्थिरता होती है वो भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं और शांत रहते हैं और उनमें तनाव झेलने की क्षमता रहती है। और जिन लोगों में नकारात्मक भावनात्मक स्थिरता होती है वो असुरक्षित होते हैं, जल्दी घबराहट का महसूस करते हैं और ज़्यादा तनाव नहीं झेल पाते। इसके अलावा आपने देखा होगा स्वकल्पना, और स्वकल्पना में आत्मसम्मान, आत्मसामर्थ्य, ये दोनों शब्द और दोनों
कारक बहुत महत्वपूर्ण है। स्व यानी किसी भी व्यक्ति का अपने व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण, स्व संकल्पना उस प्रयत्नों को संकेत करती जो व्यक्ति अपने को समझने के लिए करता है। तो आत्मसम्मान आत्मसमर्थ की बात करता है, और आत्मसम्मान आत्मसम्मान लोगों की क्षमता और स्वयं की छवि को इंगित करता है। अत्यधिक आत्मसम्मान रखने वाले कर्मचारी स्वयं को अद्वितीय, सक्षम, सुरक्षित, शक्ति संपन्न मानते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो स्व सामर्थ्य कर्मचारियों को निष्पादन को अत्यधिक सहज संबंध है। तो जिनका स्व सामर्थ्य ज़्यादा होता है, आप पाएंगे उनका निष्पादन परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होता है। और किसी भी व्यक्ति के स्व सामर्थ्य को तीन आयामों में मापा जा सकता है, स्तर, दृढ़ता और सामान्यता। यानी उसका स्व सामर्थ्य का स्तर कितना है, कितना दृढ़ है और कितना सामान्य है। अगर हम व्यक्तित्व के सिद्धांतों की बात करें तो डेनियल लेविंसन ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास आयु के साथ साथ बढ़ता है, और व्यक्ति विकास सांक्रमणिक अवधियों के दौरान होता है, और सांक्रमिक अवधि के दौरान ही उसका विकास होता है, स्थिरता की अवधि में उसका विकास नहीं होता है। और इस चित्र में आप पाएंगे, हमने ये दर्शाया ना है कि जब भी स्थिरता की स्थिति है, जो आयु दिखाई है, उस समय व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, और जो संक्रमण की आयु है उस समय व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का अधिकतम विकास मध्य जीवन के संक्रमण में होता है। और आपने देखा होगा कि लोगों ने मध्य जीवन में ही अपने दृष्टिकोण को बदला है, और जीवन चक्र के प्रत्येक चरण में जब संक्रमण काल होता है तो उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। हॉल ने कैरियर चरण का मॉडल दिया है, और हॉल ने कैरियर चरण का मॉडल दिया है जिसमें वो खोज चरण की बात करते हैं, स्थापना चरण की बात करते हैं, और स्थापना चरण के बाद वो अनुरक्षण चरण की बात करते हैं, और अंत में गिरावट चरण की बात करते हैं। इस सारणी में आप हर चरण, इन चारों चरण की जो विशेषताएँ होती हैं वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं, और वो बहुत ही सरल शब्दों में दी हुई है। इसके अलावा आप पाएंगे क्रिस आर्जुरिस ने भी अपरिपक्वता और परिपक्वता के सिद्धांत को दिया है, और उन्होंने बताया है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की मात्रा को 7 आयामों में किया जा सकता है, निष्क्रियता से सक्रियता, निर्भरता से स्वतंत्रता, और अनिश्चितता से निश्चितता, अल्पकालिक परिपेक्ष से दीर्घकालिक परिपेक्ष, अधीनस्थ स्थिति से अधीनस्थ सम्मान की स्थिति, और स्व के बारे में जागरूकता और अभाव के बारे में, और परिपक्वता और अपरिपक्वता संबंधी जो विशेषताएं होती हैं। इसी तरह एडगर और शीन ने भी समाजीकरण की प्रक्रिया बताई है, जो कि बहुत ही सरल शब्दों में आपके अध्ययन सामग्री में दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। इन सबको मिला के हॉलैंड ने टाइपोलॉजी बताई है, और उन टाइपोलॉजी में को भी आप, उन्होंने ये अष्टकोण बताया है जिसमें यथार्थवादी, अन्वेषण, कलात्मक, पारंपरिक, आप अपने अध्ययन सामग्री देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएगी, और इनकी व्यक्तित्व विशेषताएं और ये किस तरह के व्यवसाय के लिए उपयुक्त होंगे, ये सारणी अगर आप अपनी अध्ययन सामग्री में देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि ये आपने अनुभव किया होगा कि व्यक्तित्व सिर्फ अनुवांशिकता ही नहीं बल्कि परिस्थिति और स्थिति पे होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कार्य करने के तरीके और किस तरह के कार्य और संगठन में वो ज़्यादा उचित समायोजित होगा यह दर्शाता है। साथियों, यदि आपको कहीं पे भी कोई शंका हो तो मैं आपसे निवेदन करूँगी कि अध्ययन सामग्री को ज़रूर देखें, और तब भी कुछ ना समझ में आए तो मैनेज की वेबसाइट पर जाके ज़रूर देखें। धन्यवाद।